नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों काफी गैप हो गया है मेरे इस चैनल पर वीडियोस बनाने में, क्योंकि घर में कुछ सब लोग जो है वो थोड़ा सा बीमार थे, मुझे भी टाइफाइड हो गया था, इसलिए थोड़ा सा गैप हो गया था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे आप लोगों की और यूट्यूब की काफी हेल्प की नीड है, सब्सक्राइबर की नीड है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज का टॉपिक है वो है हाइड्रोसेल के बारे में। हाइड्रोसेल ये अंडकोश जो रहते हैं पुरुषों में उससे रिलेटेड एक तकलीफ है। तो पहले हम लोग पहले इंट्रो देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक जो है पहले क्लियर कर लेते हैं, बाद में जो है वो आज के टॉपिक पे हम लोग आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्क्रोटम क्या होता है। जो थैली रहती है जिसके अंदर एक सैक लाइक जो स्ट्रक्चर रहता है जो पेनिस के नीचे रहता है, जिसमें दोनों अंडकोश जो रहते हैं जो कि टेस्टिस रहते हैं जिसमें स्टोर रहते हैं, उसे उस थैली को कहा जाता है स्क्रोटम। इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी रहते हैं और साथ ही साथ ये जो है एक टेम्परेचर कंट्रोल मतलब क्लाइमेट कंट्रोल का भी जो है वो काम करता है। जैसे मैंने आपको पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि जो स्पर्म डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर लगता है वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा 2 डिग्री जो है वो कम लगता है, तो ये मेंटेन करने का काम जो है वो ये स्क्रोटम जो है वो करता है। दूसरा हम देखते हैं कि टेस्टिकल्स, ये टेस्टिकल्स का एक स्ट्रक्चर है, एक एलएस सेक्शन है उसका। तो दो अंडकोश जो दो टेस्टिस जो है वो एक मेल पुरुष में रहते हैं, नॉर्मल मेल पुरुष में, और देखा जाए तो ये ओवल शेप में रहते हैं और ये जो एक स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू जो है वो हैंगिंग रहते हैं। यहाँ पे एक स्पर्मेटिक कॉर्ड रहती है जिसकी वजह से ये हैंगिंग रहते हैं, वो अंदर बाहर होने का भी काम करते हैं और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए ही इसको ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। टेस्टिकल्स जो रहते हैं या इसके अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, एक कॉइल्ड डेंस कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर जो है वो स्पर्म डेवलपमेंट होता है। जो स्पर्म्स रहते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, फिर आगे जो है वो एपिडर्मिस में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जो स्पर्म यहाँ पे स्टोर होते हैं वो 100% मैच्योर नहीं होते हैं, वो बाद में आगे चल के एपिडर्मिस में स्टोर और मैच्योर होते हैं। दूसरा काम टेस्टिस का जो क्या है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है वो डेवलप करने का जो है वो काम करता है। उसके बाद तीसरा देखते हैं कि एपिडर्मिस हर एक कॉइल स्ट्राइक स्ट्रक्चर रहता है जो दोनों टेस्टिस के ऊपर जो है वो पीछे की तरफ से रहता है। जो स्पर्म्स जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो बनते हैं टेस्टिस में वो 100% डेवलप या मैच्योर नहीं होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं एपिडर्मिस में, वहां पे ये स्टोर होते हैं, मैच्योर होते हैं और जब जरूरत होती है तब वो एक्सपेल आउट होते हैं, एक्सक्रीशन जो रहता है वो इनका होता है। आज के टॉपिक पे आते हैं, वो है हाइड्रोसेल। हाइड्रोसेल जो है एक प्रकार का जो फ्लूइड है वो उस थैली में जमा हो जाता है, टेस्टिस के आजू बाजू में जमा हो जाता है। तो इट्स अ फ्लूइड फिल्स अ मेल्स स्क्रोटम कॉजिंग इट टू स्वेल, इसकी वजह से जो है वो सूजन हो जाती है। ये कोई काफी मेजर हेल्थ इशू नहीं है, काफी ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि जिसमें काफी आदमी परेशान हो जाए, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी सी देखा जाए तो अनकंफर्टेबल होता है, एम्बैरसिंग होती है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट जो है वो एक पुरुष को महसूस होता है डेली एक्टिविटीज में। तो सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो इन्फेंट्स में, नवजात बच्चे जो रहते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, और एडल्ट्स में जो है वो कुछ इंजुरी हो जाती है या फिर किसी तरीके कोई प्रॉब्लम होती है तब जाके ये होता है। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो ट्रीटमेंट ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। कॉजेज और सिम्टम्स क्या है, तो इसको पहले तो दो कैटेगराइज किया गया, दो हिस्सों में इसे बांटा गया है। एक है कम्युनिकेबल हाइड्रोसेल और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल हाइड्रोसेल। कम्युनिकेबल का मतलब क्या है कि एक लेयर रहती है एब्डोमिनल रीजन में, प्रोकेसस वेजिनेलिस, ये काम क्या करती है, जो एब्डोमिनल पोर्शन का जो फ्लूइड रहता है उसे दूसरे पोर्शन से सेपरेट करने का काम करती है, खास करके जो रिप्रोडक्टिव स्क्रोटम जो रहता है उससे सेपरेट करने का जो है वो ये काम करती है प्रोकेसस वेजिनेलिस। एक मेम्ब्रेन रहती है, एक लेयर रहती है। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा ड्यू टू कुछ इंजुरी या कुछ डिफेक्ट की वजह से इसका जो ट्रैक है वो थोड़ा सा खुल जाता है, थोड़ा सा जो ये लूज हो जाती है, और अगर ये लूज हो जाती है तो जो पानी है जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ चले जाता है। तो इससे दो कंडीशन हो सकती है, हर्निया भी हो सकती है या फिर हाइड्रोसेल भी हो सकता है। तो अगर हम जैसे हम लोग आज हाइड्रोसेल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा इस तरीके से मेम्ब्रेन खुल जाती है, तो ये जो फ्लूइड है वो नीचे टेस्टिकल्स में आके यहाँ पे जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे सूजन महसूस होती है। इसलिए इसे कम्युनिकेबल हाइड्रोसेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ्लूइड जो है वो कम्युनिकेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दूसरा है नॉन कम्युनिकेटिंग फ्लूइड। पहले बता दूं कि जो कम्युनिकेटिंग फ्लूइड जो रहता है उसमें क्या होता है कि जो साइज रहती है इसकी वो छोटी बड़ी होती रहती है, क्योंकि फ्लूइड ऊपर नीचे होता रहता है, तो जिसकी जो साइज है टेस्टिकल जो इसकी जो स्वेलिंग की जो सूजन की जो साइज है
वो ऊपर नीचे या फिर छोटी बड़ी होती रहती है। नॉन कम्युनिकेटिंग जो रहता है हाइड्रोसेल रहता है, इसमें इस फ्लूड का कोई लेना देना नहीं रहता है, जो एब्डोमिनल फ्लूड है वो उसका कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ इंजुरी हो जाती है, कुछ चोट लग जाती है, फिर किसी और रीजन की वजह से भी जो है इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से जो फ्लूड जो है वहां स्टोर हो जाता है, तो उसे कहा जाता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेल। अब डायग्नोसिस जो है वो डायग्नोसिस अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो दो तरीके से होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर वो कुछ उन्हें लगता है तो कुछ वो टेस्ट वगैरह भी करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, वो ग्रोइन रीजन मतलब जहां पे थाय रीजन और पेल्विस रीजन जहां मिलते हैं, जहां पे ये स्क्रोटम थैली रहती है, उस रीजन को ग्रोइन पोर्शन कहा जाता है। जो नीचे जो पट्टी एक रहती है जिसको टेस्टिस और जो एनस रहता है उसके बीच में जो एक लेयर रहती है, उसे भी ग्रोइन पोर्शन जो है वो उसका हिस्सा माना जाता है। तो स्वेलिंग अगर वहां पर हो जाती है, काफी ज्यादा सूजन हो जाती है नीचे के हिस्से पे, तो उससे पता किया जा सकता है। उसमें अगर देखते हैं कि हाथ लगाने से अगर दर्द हो रहा है तो उससे भी पता किया जा सकता है। डॉक्टर उस पेशेंट को जिनमें हाइड्रोसेल होने की संभावना होने लगती है तो उन्हें खांसने के लिए कहा जाता है जो से, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो देखते हैं कि इसमें कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं है, ये हाइड्रोसेल है या नहीं है, तो ये एग्जामिन करने में हेल्पफुल रहता है। तीसरा उनके पास ऑप्शन रहता है लाइट जो है वो हाईलाइट करते हैं, एक प्रकार की लाइट या टॉर्च के थ्रू वहां पे टेस्टिकल्स में जो स्क्रोटम एरिया वहां पे हाईलाइट किया जाता है, जहां पे उन्हें फील होता है कि फ्लूड जमा होता है। तो वहां पे अगर उन्हें ट्रांसपेरेंट कोई फ्लूड दिखाई देता है या महसूस होता है तो उस तरीके से जो फ्लूड की जो अवेलेबिलिटी है वो उन्हें वहां पे पता की जा सकती है। अगर इससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फिर सेकेंड ऑप्शन जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो सोनोग्राफी करने के लिए आपको कहा जाता है। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या है, यूजुअली ये देखा जाए तो बच्चों में जो है कब सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो 6 से 12 महीने की जैसे उनकी एज हो जाती है तो वो रिकवर हो जाता है, अपने आप ही जो है वो ठीक हो जाता है। इसमें काफी कोई घबराने वाली है, काफी सर्जरी करने वाली बात जो है इमरजेंसी में ऐसी कोई बात नहीं रहती है। एडल्ट वगैरह में अगर होता है तो अगर इनिशियली वो देखा जाता है कि अगर ये रिकवर हो सकता है फिजिकली कुछ मेडिकेशन के द्वारा या फिर किसी तरीके से अगर ये रिकवर हो सकता है तो डॉक्टर जो है इसमें सर्जरी रिकमेंड नहीं करते। लेकिन अगर एक लेवल के बाद कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तकलीफ बढ़ जाती है, तो डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं सर्जरी के ऊपर। तो सर्जरी करके वो फ्लूड जो है वो निकाल दिया जाता है और वो वहां पर अगर कोई डैमेजेस है तो उसे प्रॉपर तरीके से रिपेयर किया जा सकता है। प्रिवेंशन क्या है, बच्चे में तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, इन्फेंट नेव जाता है उसमें तो किसी तरह का प्रिवेंशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो है उसमें सिर्फ पेशेंट्स है जो डॉक्टर जो है हमें रिकमेंड करता है उसी हिसाब से हमें फॉलो करना है। यही जो एक काम है जो हम बच्चे के इस मामले में कर सकते हैं। बड़ों के मामले में जो है प्रिकॉशन कर सकते हैं, कोशिश करें कि वहां पे अगर हम लोग कोई किसी तरह की इंजुरी ना हो या फिर जब शेव वगैरह करते हैं तो किस तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो सके, वहां पे कोई इंजुरी ना हो सके, ऐसी कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि वहां का पोर्शन का जो हाइजीन है उसे मेंटेन करना काफी जरूरी रहता है ताकि इस तरीके की कंडीशन सी ना हो सके। और अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं तो जो स्पोर्ट्स कैप जो कैप वगैरह आते हैं जो कि ग्रोइन पोर्शन को या फिर पेनिस का जो पूरा कवर करता है, तो उस तरीके के जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको जो इस्तेमाल करना काफी जरूरी है। अगर आपको इस तरह की कंडीशन होती है तो हेजिटेट मत होइए डॉक्टर को बताने में कि आपको इस तरह की तकलीफ है, आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, बताइए आपकी तकलीफ के बारे में और एक प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट आप उनसे ले सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे आप लोगों के और यूट्यूब के सपोर्ट की काफी जरूरत है। काफी बीच में डिमोटिवेशन आ गया था, अभी थोड़ा सा फिर से मैं रिकवर कर रहा हूं, मैं टाइफाइड से भी रिकवर हुआ हूं। तो काफी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।